मोदी को जिताएंगे हम नहीं मोदी को क्यों नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी केजरीवाल राहुल गांधी ने किया है क्या है? युवा है ना वो युवा ही है, फालतू बातें करते हैं बस। कांग्रेस राहुल गांधी बस देश ही नहीं बचेगा सर, इस तरीके से 10-70 साल दे दिया उनको। जैसे भगवान डागेज ऑन द रोड इन आगरा ये लिखा है आई लव आगरा, और इसके पीछे लिखा है एक और आई लव आगरा प्लस आई लव आगरा, यानी दो बार आई लव आगरा। हमारी समस्या ये नहीं कि ये दो बार आई लव आगरा क्यों लिखा है, आगरा वाले आगरा से ज़्यादा प्यार करते हैं शायद इसलिए आई लव आगरा लिख रहे हैं दो दो बार, लेकिन हमारी समस्या ये है आगरा में ज़्यादा पॉपुलर क्या है, आगरा में ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, आगरे का पेठा या नरेंद्र मोदी? क्योंकि देखना ये है कि 2024 का इलेक्शन पास में है, और 2024 में हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो सरकार बदलने वाली है वो इस बार किसकी सरकार आने वाली है, ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ भैया ये बताओ, आगरा में आप आगरा के हो? नहीं, मैं अहमदाबाद से गुजरात से हूँ। अरे हाय क्या बात है, पहली बॉल पे सिक्सर। नरेंद्र मोदी के बारे में सवाल पूछ रहे थे और आप उनके घर के निकले, तो ये बताइए कि आपकी बार 2024 में क्या होने वाला है? नरेंद्र मोदी है जो है वही आएंगे। हाँ वही आएंगे, और तो क्या है, दो बार ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ वो आएंगे ना, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं, जिसके लिए वो अच्छा कर रहे, कितना अच्छा किया उन्होंने, उनके वजह से देश आगे बढ़ रहा है, और तो क्या है। अच्छा, तो ये बताइए कि 2024 में नरेंद्र मोदी अब की बार दोबारा आएंगे तो क्या क्या करने वाले हैं? जो चाहिए जनता को, जो चाहिए जनता जो मांगेगी वो नरेंद्र मोदी करेंगे, उनको आगे बढ़ना है तो वो भी करेंगे। तो अभी तक जो काम किए हैं वो उनसे संतुष्ट हैं आप? हाँ हम तो संतुष्ट हैं। अच्छा काम किया है 24 में नरेंद्र मोदी। हाँ नरेंद्र मोदी है। चलिए धन्यवाद। तो जी मिशन नेक्स्ट पीएम का ये एपिसोड आपको हम दिखा रहे हैं आगरा में, और आगरा में हम आगरा की जनता से ये जानेंगे कि आगरा की जनता अब की बार कौन सी सरकार लाना चाहती है। तो इस बार किसकी सरकार, ये जानने के लिए हम आ चुके हैं समय आगरा, और आगरा के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि हु शुड बी नेक्स्ट पीएम, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। अच्छे लोगों की तलाश में हम यहाँ पर हैं और ढूंढ रहे हैं, निगाहें हमारी ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं ऐसे व्यक्ति को जो हमसे बात कर सके, और हमारा लक्ष्य हमें सामने दिख रहा है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, देश के युवा हैं, और इन युवाओं से हम जानेंगे। एक्सक्यूज मी, बायजूस स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं? नीट की कोचिंग कर रहे हैं। ये बताइए नीट करके क्या बनेंगे आप? MBBS डॉक्टर। डॉक्टर, देश की सेवा करेंगे? यस सर। अच्छा, तो देश की सेवा तो नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, तो ये बताइए 2024 में कौन आने वाला है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, किसको आना चाहिए? तो सर इस चीज का मैं कुछ नहीं कह सकता सर। अच्छा, अरे युवा हैं आप, वोट है कि नहीं है? नहीं, वोट नहीं है। मोदी को जिताएंगे? नहीं, हम नहीं मोदी को जिताएंगे। क्यों? एक्चुअली क्या है उसमें, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रही है? इधर आ जाओ छाया में, थोड़ा सा धूप लग रही होगी, बताएं। मेरा प्रॉब्लम ये है, बट क्या कहते हैं, जो नीट कर रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा जो सीट दे रखी है ST को और UC को दे रखी है, ओवरसी को जनरल को कम दे रखी है। अच्छा, तो जनरल से इस चीज में उनका कुछ नहीं, संविधान में जो लिखा है मोदी की नहीं है भाई, उसमें उस चीज में यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, सरकार का कुछ नहीं कह सकते, ये चीज संविधान में लिखी हुई है पहले से। संविधान तो बदल देते हैं ना, सरकार बदल देती है जब चाहे तब। ऐसे वो बात तो ठीक है सर, वो EW कार्ड होता है ना, वो जनरल वाला बनवा सकते हैं अपना, हमने भी सुना है कुछ 5% के आसपास छूट मिल जाती है। 5% मिलती है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए, मतलब अगले 2024 के चुनाव में? मोदी रहेंगे। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।
2024 में नरेंद्र मोदी आएंगे कि राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। अच्छा हाँ भाई, तीन सवारी घूम रहे हो? तीन सवारी? अब पांच घूमेंगे, मैं क्या फर्क पड़ता? अरे फर्क आई नहीं है यार, यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हो आप। मैम 2024 में नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? क्या 2024 में इलेक्शन है तो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी किसको पसंद करती है? पता नहीं, पता मैम। हु शुड बी नेक्स्ट पीएम, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। थैंक यू। आप स्टूडेंट हैं, हु शुड बी नेक्स्ट पीएम, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। थैंक यू। भाई अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? केजरीवाल। यस। क्यों? आई लाइक इट। अच्छा, आप लाइक करते हैं उनको? हाँ। क्यों पसंद करते हैं, कोई कारण तो होगा? हाँ, उनका दिल्ली में देख के। अच्छा, तो दिल्ली में जैसे वो फ्री किए हैं ऐसे पूरे देश में फ्री होना चाहिए, बिजली पानी? नहीं, बिजली नहीं है, और भी बहुत सारे काम है ना उनका। अच्छा, साथ रोजगार में देख लो आप। अच्छा, रोजगार वहाँ जाता है? किस में? दिल्ली में? नहीं, सही है। अच्छा, यहाँ अपने केंद्र मोदी से काफी अच्छा दिखता है। अच्छा, तो यहाँ आएंगे तो वो लाभ देंगे आपको? कौन? केजरीवाल। क्यों लाभ मुझे? क्यों लाभ देंगे? सभी छात्रों को लाभ देंगे। आपको देंगे ना? हाँ। धन्यवाद। आप क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? आप ऐसा है कि संभावना तो नरेंद्र मोदी जी की है ही 100%, क्योंकि उनने गरीबों को राशन पानी भी दिया है। ठीक। और मकान अगान में फुल हेल्प करी है। ठीक है ना, इसलिए लोग बाग गरीब तो कहते ही हैं कि नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। अच्छा, गरीब लोग तो कहते ही है कि नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। ठीक है, फिर समस्या क्या है? समस्या क्या आप है तो वो लगभग नरेंद्र मोदी पे वही जीतेंगे। और क्या, चलिए वही जीतेंगे नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी, आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी 24 में कौन? नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपको क्या लगता है मैडम? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी नहीं। क्यों? राहुल गांधी ने किया ही क्या है? युवा है ना वो? वो युवा ही है, फालतू बातें करते हैं बस। बड़े बूढ़े ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो मोदी जी की शादी नहीं हुई, घर परिवार के बारे में जानते नहीं, लोग कह रहे हैं। तो इसीलिए तो वो सबका ध्यान रख रहे हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। अच्छा, उनकी फैमिली नहीं है ना, इस वजह से। इस वजह से 140 करोड़ लोगों की फैमिली बनाकर ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, और सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। अच्छा, और वो किसकी भर रहे हैं? वो किसी की नहीं, वो आम जनता की सेवा कर रहे हैं। ये जनता की सेवा कर रहे हैं भाई। तो जनाब मोदी जी जनता की सेवा कर रहे हैं ऐसा लोग बता रहे हैं। ये एक और छात्र आ रहे हैं। आप छात्र हैं जी? क्या पढ़ रहे हैं? बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हैं। बीटेक वाले भैया ये बताइए कि अगले 2024 में केंद्र में किसकी सरकार आनी चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जी नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की आनी चाहिए। काहे? बढ़िया है, विकास अच्छा हो रहा है इस समय। विकास अच्छा हो रहा है। हाँ भाई, विकास कह रहे, विकास हो रहा है। ये कह रहे हैं विकास हो रहा है, ये कह रहे हैं विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो गया, बिल्कुल हो रहा है विकास। अच्छा, लेकिन बच्चों का कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों का विकास नहीं हो रहा, कुछ नहीं है रो भैया, कुछ नहीं है रो। अच्छा, क्यों? कुछ नहीं है रो, जो भी नहीं निकल रही कहाँ से निकल रही। अब देखेंगे। देखो, बेरोजगार का दर्द बोल रहा है ये। सब बेरोजगार है, ये बेरोजगारी का दर्द बोल रहा है। पूछ लो भैया। अच्छा, इधर ये आप भी बेरोजगार? अच्छा, बेरोजगार है कि छात्र हैं? छात्र बेरोजगार दोनों। छात्र हैं तो बेरोजगार कैसे? जब छात्र आप अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तभी ना रोजगार मिलेगा। तैयारी
तो पूरी कर रखी है, निकलवाओ भर्ती। किसकी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी में लगे हुए। किसकी तैयारी में? यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की। गलत तैयारी कर रहे हो यार। किसकी कर रहे हो बताओ? आप कचौड़ी बनाना सीखो। सही कह रहे हैं भैया। पकौड़े बनाना सीखो। सही कह रहे हैं। मतलब सब नौकरी के पीछे भाग रहे, धंधा पानी करो यार। सही कह रहे हो। कल से यही सोच रहा था खोलूंगा अभी। आपको क्या लगता है 2024 में कौन? 2024 अपना कांग्रेस। कांग्रेस और क्या? राहुल गांधी। बिल्कुल अपना अभी डू इट अपना। कैसे? क्योंकि अपना कांग्रेस ने थोड़ी बिहेवियर क्या करा? क्या करा आप बताओ? क्या किया है? सिर्फ अपना मंदिर मस्जिद मस्जिद तोड़वाना, अपना और मंदिर बनवाना और महंगाई बढ़ाना। महंगाई तो आज भी है, महंगाई आज भी है अपना। तो ये बताइए महंगाई ये कौन बढ़ाता है? सरकार बढ़ाती है, गवर्नमेंट बढ़ाती है अपना। अच्छा, तो कम कौन कर सकता है? कम कर सकती है ओनली अबाउट सरकार। सरकार ही कर सकती है। सरकार करती क्यों नहीं है ये? है? सरकार करती क्यों नहीं है महंगाई कम? करती क्यों नहीं है सरकार? अपना बीजेपी की और सरकार को तरस नहीं आता छोटे छोटे बच्चों पे? कभी नहीं आता, कभी नहीं आया, ना आता है ना आएगा और कभी नहीं आएगा। अपना बेरोजगारी भर्ती जाएगी, बेरोजगारी है और भर्ती जाएगी, हमेशा भर्ती है भर्ती जाएगी। क्योंकि अपना जीडीपी उस समय 2014 में देख लो अपना जीडीपी ना और गिरती आ रही है अपना। केवल मंदिर बनाना और भैया पांचवें स्थान पर है पूरे विश्व में भारत जो है, पांचवी इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या होता है? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी जीडीपी होती है जो आप कह रहे हो। जीडीपी क्या होती है? पांचवें नंबर आने के बाद भी फ्लाई ओवर के नीचे देख लो अपना कितनी क्या है फ्लाईओवर के नीचे क्या है? लोग सोते हैं, लेते हैं, करते हैं अपना। और हम जैसे लोग अपना रोजगार करते हैं। क्या करते हैं आप? मैं अपना सफाई करता हूँ। सफाई करते हैं? बिल्कुल। तो ये फ्लाईओवर के नीचे क्यों नहीं करते? ऑन द रोड सफाई करता हूँ, ऑन द रोड, ऑन द फ्लोर और ऑन द रोड बोल रहा हूँ मैं, ऑन द रोड सफाई करता हूँ अपना, ऑन द अपना भगवान टागेज। दिस इज भगवान टागेज ऑन द रोड इन आगरा। क्या बोला तूने? दिस इज यूपी। दिस इज भगवान टागेज ऑन द रोड इन आगरा इन यूपी एंड और एंड द लॉज एंड द लॉज। दिस इज लॉज अपना सफाई करता हूँ, कर्मचारी हूँ एंड आई एम अ ग्रेजुएट। क्या बात है, आप ग्रेजुएट हैं जी? अच्छा, ग्रेजुएट सफाई वाला। अपना सफाई कर्मी है अपना। अभी दिखाऊं लाइव दिखाऊं? क्या दिख रहा है? किधर दिखाएंगे, किधर दिखाएंगे? अच्छा, ये आपने सफाई की है? नहीं। चलिए आगे आते हैं, मिलते हैं आपसे। आप भी बेरोजगार हैं? हैं ये नहीं है बेरोजगार इधर, आप बेरोजगार हैं जी? सर बताइए, हम पूछना चाहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी किसकी सरकार बनेगी? देखो जी, मैं एक बात बताऊं, अपने नज़रिए से सरकार तो किसी की बने, रोजगार तो कोई नहीं दे रहा, ना मोदी जी दे रहे ना राहुल गांधी जी दे रहे। कहे नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा भैया। रोजगार क्या इनकी जेब में थोड़ी ना रखा? आज मान लो रिलायंस कंपनी ने आज से एक साल पहले बच्चों की हायरिंग करी, 10,000 बच्चों की, 12,000 बच्चों की। आज आपने 24 तारीख के पेपर में पढ़ा होगा 1,000 बच्चों को निकाल दिया, 9,000 और निकालने वाली है। इस बेरोजगारी को कोई नहीं देखता कि 10,000 लगाए, वो तो देख लेंगे हमारे शासनकाल में 10,000 लगे, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि 10,000 निकाले भी गए थे बाद में। अच्छा, ये चीज़ नहीं कोई देखता है? तो कोई नहीं है, कोई रोजगार नहीं देता भैया। वो तो कंपनी आ रही है प्राइवेट तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार का कोई कह नहीं सकते किसकी बनेगी। कौन अच्छा है? हमारे तो सब अच्छे हैं, बुरा तो कोई नहीं है, खुद अच्छे तो सब अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं? सब अच्छे हैं हमारे लिए तो। मोदी जी अच्छा काम किया ना? मोदी जी ने कुछ दिया? अरे कहीं नहीं दिया, देखो मंदिर राम मंदिर दे दिया, राम मंदिर दे दिया, चलो मानते हैं, लेकिन हम किसान लोग हमारे लिए क्या दे दिया? आप बताइए, 6,000 रुपए दे रहे हैं वो हर साल? 6,000 रुपए में आप अपने घर का बिजली का बिल भर लोगे? नहीं भरता है। आप बताइए, आप भर लोगे? नहीं, मुझे आइडिया नहीं, नहीं भरता है। नहीं, आपके घर का बिजली का जो बिल जाता है वो कितने रुपए महीने का जाता है? नॉर्मल मान लो 3,000 रुपए महीने। 3,000 रुपए नॉर्मल? आप ये गर्मियों में 3,000 रुपए में घर का बिल चला लोगे बिजली का? नहीं चलेगा, गर्मी में और ज्यादा आएगा। नहीं चलेगा ना, तो 6,000 रुपए से क्या हो रहा है? और वो भी आए या ना आए, ये भी तो है। तो गरीब आदमी का बिल कहाँ आता है? एक पंखा होता है। बताओ आपके यहाँ क्या है? बिजली है?
बिजली का है। पंखा है? पंखा नहीं है। पंखा नहीं है, लो बताओ अब कहाँ भी लाएगा, पंखा ही नहीं है उनके यहाँ। भैया बिना नहीं 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 वो खेती करते हैं। हाँ? ना उनके 6000 रुपए आ रहे हैं। अच्छा? मैं आप 6000 रुपए वाली बात कर रहे हैं ना, वो वाली बात कह रहा हूँ कि किसानों को 6000 रुपए आ रहे हैं। हाँ? तो 6000 रुपए से किसान क्या कर लेगा भाई, आप बताइए कुछ कर सकता है? अच्छा, वो तो एक झूठा जलसा दे दिया है कि 6000 रुपए हम किसानों को दे रहे हैं। हाँ भाई क्या करते हो आप, इधर आओ, क्या करते हो? मिस्त्रीगिरी। मिस्त्री? अच्छा, क्या बनाते हो? मकान। मकान बनाते हो? कहाँ घर है तुम्हारा? घर नहीं, किराए पर रहता हूँ। किराए पर रहते हो? अच्छा, तो कितने कमा लेते हो? कमा लेते 600 रुपए, 500 रुपए। 500-600 रुपए कमा लेते हो दिन में? अच्छा, तो महीने में कितने दिन काम चलता है? महीने में 20 दिन मिल जाए, 15 दिन मिल जाए, 25 दिन भी मिल जाए। घर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। 6 लोग हैं, कौन कौन कमाने वाला है? हम अकेले ही हैं कमाने वाले। अकेले हो? तो गुजारा हो जाता है इतने में? अब गुजारा तो करना पड़ेगा, महंगाई इतनी है साहब, है गुजारा बसना व्यवस्थित करना पड़ेगा। महंगाई है? महंगाई कितनी है? महंगाई, महंगाई तो बहुत ज्यादा है। अच्छा। वो महंगाई के अनुसार झाड़ी नहीं है। अच्छा। हाँ, कितनी होनी चाहिए झाड़ी? इस टाइम मित्री की 800-900 रुपए होना चाहिए। 800-900? हाँ, मिल रही है 600? 600 मिल रही है, 500 भी मिल जाए, 550 भी मिल जाए। अच्छा, चलो। ये दर्द है साहब एक गरीब आदमी का, ये दर्द है। इधर किसी कोई दर्द है? मोदी जान पाएंगे ना, राहुल गांधी जी जान पाएंगे, जान पाएगा ना, खुद जानना पड़ेगा। बताओ भैया क्या कहना चाह रहे हो? माता मैं खाली ये बोल जा रहा हूँ, ठीक है? अंकल ने बोल दी कितने कमा रहे? 600। भाई मैं कह रहा हूँ 250 कमा रहा हूँ, ठीक है? 300 आ रही है मेरी, आज निरंतर अपना, और जो बीजेपी पार्टी से बोल रहा हूँ, कहाते बोलो बीजेपी पार्टी से, ठीक है? पर रोज बढ़ाएं और मेरे जैसे युवा आगे बढ़ें, अनपढ़ हूँ, 10 पास हूँ, आज क्या है, आज केवल झाड़ू खा रहा हूँ, इसका कुछ नहीं है। आप कह रहे थे ग्रेजुएट हूँ? आई एम ग्रेजुएट, इसका कुछ नहीं है। अभी आप कह रहे थे ग्रेजुएट हूँ? तो 10 पास ग्रेजुएट ना, इंटर पास, बात यही होती ना। कैसे होती है यार, 10th वाले को अलग नौकरी मिलेगी, 12th को अलग नौकरी मिलेगी, ग्रेजुएट को अलग नौकरी मिलेगी। मिलेगी? कब मिलेगी? फॉर्म भरोगे, पास होगे तब मिलेगी। फॉर्म भरोगे? अभी नहीं भरा आपने, अभी नहीं मिली आपको सरकारी? अभी नहीं भरा, अभी नहीं भरा फॉर्म। अच्छा, कौन सी मिली है अभी? सफाई कर्मी हो ना? अभी सफाई कर्मी हूँ। हाँ, तो आप पढ़ोगे और अच्छा करोगे? देखो ये सब पढ़ रहे हैं बेचारे, हैं ये सब पढ़ रहे हैं, बोलो पढ़ रहे हैं हम ना, कर रहे हैं, लेकिन मेरी मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, नहीं पढ़वा रहा हूँ। चलो चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सर आपको क्या लगता है 2024 में कौन नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी? सर ऐसा है, मेरे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए। अच्छा जी, बड़ा सोच के बोले हैं, कुछ तो जरूर चल रहा है। नहीं, ऐसी क्या बदलाव होना चाहिए? महंगाई से आम जनता काफी परेशान है। आगरा की मूलभूत समस्या क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी? अच्छा, बेरोजगारी से त्रस्त है आगरा वासी। चलिए, और दूसरी समस्या? और अगर बेरोजगारी है तो फिर महंगाई तो आदमी को लगेगी लगेगी, तो मालूम ही आपको। तो 2024 में कौन आ सकता है? मोदी जी आएंगे। अगर महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करें तो जनता का रुख तो कर मोदी जी की तरफ ही है। हाँ भैया, आपको क्या लगता है? क्या 2024 में इलेक्शन है जी, मोदी जी जीतेंगे कि राहुल गांधी? राहुल गांधी जी तो नहीं लगते। नहीं लगते, तो कौन लगता है? मोदी जी लग रहे हैं। क्यों? ऐसा है कि दो बार से हम देख रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं, प्लस ये कि दो बार होते हैं, सपोर्ट उनके साथ हर जगह से है ना, क्योंकि अभी विधायकी भी लड़ी गई तो बीजेपी बीजेपी लहराई हर जगह, या BSP आई, कांग्रेस का तो खैर नामो निशान है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। जो यहाँ हम वार्ड 31 हमारा जो आता है पार्षद पद पे, जो हमारा दोस्त था उसी से खड़ा हुआ था वो, कांग्रेस से, कांग्रेस गौरव कश्यप नाम है उसका, तो हार गया, गिनती में ही नहीं आया वो, तो खैर बेचारा यही समझ लीजिए एक तरह से। प्लस ये कि पॉलिटिक्स में कभी हमने ध्यान दिया तो है नहीं, लेकिन अब जिस हिसाब से देश के हालात बदलते जा रहे हैं, तो अब कहने मतलब सुनते आ रहे हैं बचपन से हम ही आने वाले देश का फ्यूचर है या युवा है, तो अब देखना पड़ेगा हम ही लोगों को। तो आने वाले समय में 2024 में आप वोटिंग करेंगे? अरे वोटिंग करें, हमें लगा प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री कहाँ बनवा रहे हैं सर, थोड़ी बहुत इज्जत है मेरी अभी कैंपस में। अच्छा,
कौन से कैंपस में पढ़ते हैं? ये मेरा घर यही है ना, RBS कॉलेज में पढ़ता हूँ। RBS में पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं BSc BSc कर रहा हूँ, सेकंड ईयर करता हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छे नंबरों से पास हों और आपकी बहुत अच्छी नौकरी लगे भाई। बेरोजगारी लोग कह रहे हैं है? नहीं, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में बेरोजगारी नहीं बेकारी है। अच्छा, बेकारी है, काम तो बहुत है, लोग करना नहीं चाहते हैं। ये एक नई बात निकल गया, बेरोजगारी नहीं है बेकारी है, कैसे? बहुत लोग करना नहीं चाहते हैं। क्या क्या काम है जरा बताओ इनको, इन्हें बताओ जरा, इन्हें बताओ। ये भी काम करता है, वो भी काम करता है। अच्छा, ये मेरा कैंपस में ही रहता है, ये कोचिंग भी पढ़ता है, स्कूल भी जाता है, पार्ट टाइम के सामने जूते की दुकान पे काम करता है। अच्छा, तो काम तो हर जगह है यार, करने वाला होना चाहिए। क्या क्या नाम है आप? मेरा अमान नाम है। अमान, अमान जैदी नाम है, ठीक सामने दरगाह में। क्या क्या मतलब होता है इसका? मेरे नाम अमान मतलब किसी को अपने प्रोडक्शन में ले लेना, अमान उर्दू लफ्ज है। अच्छा, मैं शिया समुदाय से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम सैयद अमान अली जैदी है। अच्छा, तो इसका मतलब है किसी को भी अपने प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्शन में अमान में ले लेना, सुरक्षा में ले लेना, सुरक्षा में ले लेना। अच्छा, तो किसी को भी आप अपनी, तो किस किस को सुरक्षा में, इनको इनको सुरक्षा में लिए हुए हैं? फिलहाल तो मैं अपने आप को अपनी सुरक्षा में लेना चाहता हूँ, फिर अच्छी जॉब लगे तो परिवार को अपनी सुरक्षा में लेना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जैदी साहब आपसे मिलकर, और खुशी हुई, और हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप बहुत अच्छी अपने आशीर्वाद रहे, क्योंकि मेहनत से कहते हैं ना, दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत होती है। बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक, तो अपनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं जो काम आते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? दो बार तो जीत गए, तीसरी बार जीत जाएंगे क्या? तीसरी बार जीत जाएंगे क्या? है क्या? मैडम से पूछते हैं, मैडम 2024 में नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी, इधर। हाँ भाई, जूते चप्पल वाले भैया। हाँ बोलिए। 2024 में नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी चेंज, बदलाव? बदलाव बहुत बदलाव आएगा सर। बदल देंगे आप? हम सब बदलेंगे। अच्छा, क्यों बदलेंगे भाई? देखिए, उन्होंने कुछ नहीं किया अभी। बेरोजगारी का काम देखेंगे, बेरोजगारी बहुत है। नई सरकार का काम देखेंगे तो दोस्त, दो बार तो बन चुके हैं, आप तीसरी बार और बना दीजिए, उससे क्या फायदा होगा? वैसे और महंगाई बढ़ेगी। और कह रहे हैं क्या करेंगे सर? वो ये कह रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो अब कम से कम 70 साल तो हमें दो। कम से कम इतना तो नहीं है, इतना तो नहीं है कि वो 1150। अभी आपने 10 ही साल दिए हैं, देसी नहीं बचेगा फिर? अभी तो 60 बाकी है सर, देसी नहीं बचेगा सर। इस तरीके से 70 साल दे दिए तो उनको, बताइए क्या दिक्कत होगी? वही तो पूछ रहे हैं, ये नौजवान लड़के घूमते हैं नौकरी, कैसे घूमते हैं, इनको मिला अभी तक? तो जनाब, ये थी आगरा की जनता की मर्जी, हमने जानी उनकी, उनका मूड क्या कहता है, और आगरा की जनता ने हमें बताया कि आगरा के अंदर जो है वो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और वो अगली बार नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या नहीं, ये भी हमने आज इस वीडियो में देखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो हमारा सर्वे है ये और लोगों तक पहुँच सके, और मिशन नेक्स्ट PM जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ शेयर कर पाएँ, उनके विचार जान पाएँ। कमेंट करके हमें अपने विचार भी बताइए, अपनी राय बताइए, और आप किसको चाहते हैं 2024 में, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? कुछ लोग केजरीवाल भी कह रहे हैं, हालांकि क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।